हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? होपसो कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी रेसिपी बाय सुमन दैया। आओ आज मैं आपको कढ़ी बनाना सिखाती हूँ, कढ़ी पकोड़ा। और इसमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम पकोड़ी की तैयारी करेंगे, उसका जो भी सामान है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आओ, ये मैंने आलू काट लिए हैं बहुत छोटे छोटे। ये हरी मिर्च एक मैंने रखी थी, इसको हम बारीक बारीक करके काट लेंगे, इतनी बारीक बारीक। ये देखो मैंने हरी मिर्च काट ली है छोटी छोटी। ये अब आलू और हरी मिर्च में हम हरा धनिया डालेंगे। ये मैंने काट के धो के पानी में डाल के रख रखा है, इतना धनिया है देखो, काफी होगा ये। अब हम इसमें थोड़ी सी प्याज डालेंगे, ये प्याज मैंने काट के रख रखी है। अब ये कड़ी पत्ता है, इसको हम तोड़ के इसमें डाल लेंगे। अब मैंने इसमें बेसन डाल दिया है और मैंने इसमें प्याज डाल लिया है, क्योंकि हम तो प्याज खाते हैं और जो प्याज ना खाता हो वो प्याज ना डाल ले। और अब इसमें हम थोड़ा सा खाने का सोडा डाल देंगे, ये देखो बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, ये देखो पकौड़ी के हिसाब से जितना ये है मेरा उतना ही नमक डाल लेंगे आप अपने। मैंने इसमें नमक डाल दिया है, आप अपने हिसाब से, अपनी जितना आपका बैटर हो उसी हिसाब से नमक डालना। अब हम इसको मिला देते हैं, अभी मिला के मैं आपको दिखाती हूँ। उसे पकौड़ियों का बैटर तैयार हो गया है, इसको हम साइड में रखते हैं। ये देखो ये मैं कढ़ी का मसाला पीसूंगी अब जा। ये अदरक है, लहसुन की 8-10 कलियाँ है और ये एक मोटी हरी मिर्च है। अब इसे सिलबट्टे पे पीसूंगी मैं, क्योंकि सिलबट्टे पे पीस के अच्छा स्वाद आता है। आप चाहो तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हो। अभी मैं पीस के आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके का हो जाएगा। ये देखो अभी पीसती हूँ मैं, थोड़ा सा पानी डाल के, और अब मैं इसको पीसती हूँ। मसाला इस तरीके का हो गया, ये मैंने इकट्ठा कर दिया है। ये देखो वो मसाला पीस के रख दिया मैंने वहाँ पे, और मैंने गैस पे तेल चढ़ा दिया है, सरसों का तेल है ये। कढ़ी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। और अब हम बनाते हैं पकौड़ी, पकौड़ी डालते हैं, हाथ से ही बनाएंगे। लोहे की कढ़ाई है ये, और अब पकौड़ी बनाते हैं। पकौड़ी मैंने डाल दिया है कढ़ाई पे, और अब जब ये हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। पकौड़ी बन के तैयार हो गई है, देखो यहाँ रखते हैं ना। ये देखो पकौड़ी में आलू दिख रहे हैं, ये हरी मिर्च है, ये प्याज है, और इसमें मैंने हरा धनिया डाल रखा है। ये देखो कितनी अच्छी से, ये देखो आप, बिल्कुल ऑयल भी नहीं है इसमें, बिल्कुल अच्छी है। ये देखो कढ़ी की पकौड़ी ऐसी ही बनती है। अब हम कढ़ी की तैयारी इन्हें एक साइड में रख देते हैं और हम करते हैं कढ़ी की तैयारी। तो दिखाती हूँ मैं हम कढ़ी में क्या क्या डालते हैं। ये लस्सी है, ये 2 लीटर लस्सी है, इसको मैं थोड़ी सी मिक्सी के जार में ले लूँगी, ये देखो। और इसमें मैं 1 कटोरी बेसन डाल दूँगी, ये बेसन है। और इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, कितनी हल्दी, ये देखो 1 चम्मच हल्दी, और ये थोड़ी सी मिर्च, लाल मिर्च। अब मैं इसको पीस के मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने मिक्सी में मिक्स कर लिया, इसमें गांठ नहीं मिलती पड़ती। यदि हम इसे मिक्सी में मिक्स करें ना तो इसमें एक भी गांठ नहीं होती। अब गांठे का मतलब है इसमें बेसन की कोई भी गांठ नहीं होती। ये देखो सब मिक्स हो गया अच्छे से, मसाला भी और बेसन भी। अब हम इसे इसमें सारी लस्सी में मिला देंगे, इसको इसे इस लस्सी में मिला देंगे, और इसे हम चमचे से चला देंगे, फिर चमचे से चला के मिक्स कर लेंगे। ये देखो कितना अच्छा बैटर बन गया। अब हम छोंक की तैयारी करते हैं।
अब हम कढ़ी की तैयारी करते हैं छोकने की। उसके लिए मैं आपको सामान दिखा देती हूँ सब। ये प्याज है दो, ये कढ़ी पत्ता है, ये अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट है, हरी मिर्च का, और ये वो है जो मैंने सिलबट्टे पे पीसा था अभी। ये है मेथी, ये मैंने आपके सामने लस्सी का घोल तैयार कर लिया है। अब करते हैं छोकने की तैयारी। सबसे पहले हम इसमें मेथी डाल लेंगे। मेथी मैंने निकाल के रख रखी है, इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि मेथी में एक दो कंकर भी आ जाती है छोटी छोटी। वो देखो, अब लाल मिर्च डालते हैं। यदि आप खाते हो तो डाल लो, कोई जरूरी नहीं है। अब हम प्याज डालते हैं, प्याज और कड़ी पत्ता। अब इसे हल्का सा गोल्डन होने देते हैं। अब ये देखो गोल्डन हो गया है प्याज। अब हम इसमें ये मसाला डाल देंगे, चला देंगे इसको। मसाला मिक्स हो गया है। अब हमने इसे लस्सी को इसमें डाल देंगे। और हल्दी हमेशा हम जब कढ़ी बनाते हैं तो लस्सी में ही डालते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। अब हम थोड़े से राइस डाल देंगे इसमें। राइस डालने का मतलब है कि हमें ये पता लग जाता है कि कढ़ी अब बनके तैयार हो गई है। जब राइस पक जाए तो समझ लेना कि कढ़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच सूखा धनिया डाल देंगे। ये देखो 1 चम्मच, 2 चम्मच। और नमक हम इसमें जब डालेंगे, जब इसमें एक उबाल आ जाएगा अच्छे से, तब हम नमक डाल लेंगे। फिर अब दिखाते हैं आपको उबाल आने के बाद में। अब हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये फट जाएगी। छा का फटने का डर रहता है लस्सी का इसमें। अब मैं इसे इतने चलाती रहूंगी इतने इसमें उबाल ना आ जाए, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। इसको 15 से 20 मिनट हो गए पकते हुए। ये देखो गाढ़ी हो गई है ये। और अब हम इसमें नमक डाल लेंगे। एक चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें नमक, थोड़ा सा और डालती हूँ। और आप अपने स्वाद के अनुसार डालना जितना आप नमक खाते हो, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। अब इसमें एक उबाल आने दो, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इसे 5 मिनट बाद फिर दिखाती हूँ। कढ़ी बन के तैयार होगी है कितनी, देखो ऐसे होगी। अब हम इसमें पकौड़ी डालते हैं। अब इसे मिला देते हैं अच्छे से, ये ऊपर नीचे कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। ये एकदम तैयार है। इसमें हम लास्ट में सौंठ भी डाल सकते हैं, जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं। और लेकिन हमने इसमें शुरू में जो मसाला पीसा था उसमें हमने अदरक पीस कर रख लिया था। और यदि किसी को कढ़ी सूट ना आती हो, परेशानी बनती हो, तो इसमें लास्ट में आप जिंजर पाउडर डाल के खा सकते हैं। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये घी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा, इतना सा लाल मिर्च पाउडर, और इसे कर लेते हैं, चला लेते हैं इसको, एक जगह मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये मैंने पहले घी गरम करा, फिर मैंने उसमें लाल मिर्च पाउडर मिला दिया, देगी लाल मिर्च जो होता है पिसा हुआ, वो मिला दिया कि फाइनल टच देने के लिए। और इसे डालने से कढ़ी अच्छी भी होती है और बहुत सुंदर लगती है। ये देखो अब देखो कितनी प्यारी लग रही है।
अब आपके मर्जी है, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं या राइस के साथ, तो ये अच्छी लगती है। राइस के साथ खा लो या रोटी के साथ खा लो। और मैंने पापड़ सेक दिए हैं इसके साथ में, क्योंकि हम राइस के साथ कढ़ी राइस पापड़ खाते हैं। ये देखो कढ़ी बन के एकदम तैयार है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर, बाय।